नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। आइए रुख कर लेते हैं उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। देहरादून के बिंडलास कॉम्प्लेक्स में स्थित होटल अम्बेसडर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का शव मिलने से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। युवती की उम्र 21 साल की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि युवती होटल अम्बेसडर में सुनील नाम के शख्स के साथ कल रुकी थी। आज जब लड़की के परिजन लड़की को ढूंढते हुए होटल पहुंचे तब घटना का खुलासा हुआ। वहीं सूचना पर आनन फानन में एसपी सिटी सरिता डोभाल पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और घटना के कारणों की जाँच की। जानकारी देते हुए एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि कमरा नंबर 321 में महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। मामले की जांच की जा रही है। आरोपी लड़का फरार है। लड़के की तलाश लगातार जारी है। फॉरेंसिक टीम लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है। दूसरी तरफ मृतका के परिजनों ने होटल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि सुबह महिला की जानकारी मांगने पर होटल स्टाफ द्वारा उनको लगातार गुमराह किया गया। युवती की डेड बॉडी मिली है तो उस पर हम लोग मौके पर आए हैं। फील्ड यूनिट को बुलाया गया है और जो भी रूम में जो एविडेंस है वो कलेक्ट किया जा रहा है। एक लड़के द्वारा भी जो है कल आने की बात कही जा रही है, क्या कुछ पूरा मामला है अभी तक, क्या कुछ पता चल पाया है? देखिए, अभी तो हम लोग जांच कर रहे हैं, सभी फैक्ट्स ले रहे हैं। कौन इसके साथ आया था, होटल में कौन रहा था, क्या आई थी, उन सब चीज़ों पर हम लोग जानकारी। फोन कर रहा था मेरा जो जीजा है, ये सुबह मुझे फोन कर रहा था तो मैंने फोन उठाया नहीं इसका, क्योंकि मैं सो रही थी उस वक्त। जब मैंने देखा फिर फोन आने लगा, फिर मैंने फोन उठा लिया तो ये कहने लगा कि मुस्कान घर पे नहीं है, तेरे घर रुकी क्या मुस्कान? तो मैंने बोला भाई मेरे घर तो रुकी नहीं वो, कि वो रात से घर नहीं आई। हमारे आपस में दोनों का झगड़ा हो गया था, मतलब ऐसी नोक झोंक। मैंने कहा तू एक काम कर, मेरे घर आ जा, हम दोनों मिलकर साथ में ढूंढ लेंगे उसे, ठीक है? फिर ये मेरे घर आ गया। तो फिर इसे किसी ने बताया वहाँ पे इधर की तरफ के कोई मुल्ला जी यहाँ छोड़ के गए थे ऑटो में। तो फिर हम यहाँ आए तो मैंने इनसे सख्ती से पूछा तो इन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पे कोई नहीं आया था लड़की। तो मैंने बोला मैं रिपोर्ट करने जा रही हूँ, या तो आप आईडी दो या कुछ भी दो। तब इन्होंने बताया तो मैंने कमरा खुलवाया तो मैंने देखा तो वहाँ जूते पड़े मेरी बहन के। ऋषिकेश में स्थायी ठिकाने देने की मांग को लेकर नगर निगम के खिलाफ सब्जी व्यापारियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने चिता पर लेटकर विरोध जताया है। सब्जी व्यापारियों ने कहा कि लगातार विरोध और आंदोलन के बावजूद नगर निगम प्रशासन सब्जी व्यापारियों की मांग पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। इस हठधर्मिता के खिलाफ जल्दी ही अनशन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। फिलहाल चिता पर लेटकर अनोखा प्रदर्शन शुरू किया गया है। इसके साथ ही सब्जी व्यापारियों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव के कारण जो है सब्जी मंडी को जो है अन्यत्र दो जगह शिफ्ट कर दिया गया था, मगर कोविड पूरी तरह से लगभग जो है नियंत्रण में है। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी द्वारा भी जो है कुंभ में आने वाले यात्रियों की किसी प्रकार की कोविड रिपोर्ट की उन्होंने बाध्यता समाप्त कर दी। उन्होंने कहा सब लोग आएँ, लोग आएंगे तो रोज़गार चलेगा, तो उनकी सोच है कि रोज़गार दें और लोगों का भला हो। यहाँ पर ये जो तीसरी सरकार बोल रहे हैं, चाहे इसका पॉलिटिकल सिस्टम है चाहे एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, ये इतना हठधर्मी हो चुका है कि वो कोविड के बहाने से पहले तक एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का हवाला दे करके इन पर बहुत मुकदमे लगाए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जी उनको भी हटा दिया गया है कि अब ये सब मुकदमे खत्म होंगे, मगर मंडी को अपने यथास्थान नहीं जाने दिया जा रहा, ना इनको जो है किसी प्रकार का विकल्प जो है ऐसा विकल्प जहां रोजगार हेतु उपयुक्त स्थानीय ने मिल जाए और वो परमानेंट हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। और एक साल हो गया, लगभग 106 जो परिवार थे उनमें से मात्र 40 लोगों को रोज़गार करने दिया जा रहा है। वो 50-55 लोग हैं जो कि आज भी घर पे बैठे हुए हैं और स्थिति दिन पे दिन दयनीय होती जा रही है। बच्चों का फीस नहीं, घर का गुजारा नहीं हो पा रहा, कमरे किराया नहीं हो पा रही, दवाई दर्पण नहीं हो पा रहा, दिन पे दिन स्थिति खराब होती जा रही, बिगड़ती जा रही है। आज तो चिता लेटने कार्यक्रम चल रहा हम लोग का, इससे भी सरकार ने इससे नगर निगम नहीं सुनती है। हम लोग अनशन पर भी जाएंगे और सरकार से भी मिलेंगे और हमें नगर निगम से यही आग्रह है कि हमें जूनीमाई रोड पे शिफ्ट कर दिया जाए। जब हमारी व्यवस्था हो जाएगी फिर वहाँ से हमें भेज दिया जाए। गरीब और छोटे मकानों में निःशुल्क पानी का कनेक्शन देने की मांग को लेकर आज हल्द्वानी में इंदिरानगर के लोगों ने जल संस्थान कार्यालय में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही लोगों ने जल संस्थान कार्यालय में धरना भी दिया। लोगों ने कहा कि राज्य सरकार गरीब लोगों को 100 रुपये में पानी कनेक्शन देने की बात तो करती है, लेकिन पानी के कनेक्शन के लिए अंत्योदय और बीपीएल राशन कार्ड की बाध्यता को खत्म किया जाए, क्योंकि राज्य के अंदर हर गरीब परिवार के पास बीपीएल कार्ड नहीं है, जिससे हर परिवार को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लिहाजा पानी के कनेक्शन के लिए बीपीएल राशन कार्ड की बाध्यता को सरकार तुरंत खत्म करे। हमारे ये जो बस्तियां हैं, गरीब परिवार के लोग रहते हैं, तो इसमें सर्वभाष पर सरकार ने वादा किया था कि 100 रुपये में कनेक्शन होगा, मगर इतने गरीब लोग रहते हैं वहाँ, क्या उनके मांग करी है कि जिनके बीपीएल कार्ड होंगे, लाल कार्ड होंगे, उन्हीं को ही कनेक्शन मिलेगा।
अब कुछ लोगों पर तो हैं और कुछ पर नहीं है, तो जिनके नहीं होंगे वो क्या कनेक्शन नहीं ले पाएंगे पानी की, उससे तो सभी पीड़ित होते हैं। और क्या नाम BPL की इन्होंने मांग करी है, लाल कार्डों की मांग करी है, अब 10 के हैं और 20 के नहीं हैं तो क्या वो बिना उसके ऐसे रह जाएंगे? कहानी पहले हमने मांग ये करी है कि सभी के होने चाहिए कनेक्शन, सभी के होने चाहिए, ये रद्द कर दें लाल कार्डों का, BPL कार्डों का ये रद्द कर दें और सभी को कनेक्शन दें। आगामी 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर लालकुआ में कांग्रेस SC विभाग ने भी कमर कस ली है। इसी कड़ी में कांग्रेस SC विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यकारिणी का विस्तार किया, साथ ही संगठन को मजबूत करने तथा BJP की जनविरोधी नीतियों को लोगों तक पहुंचाने की कार्यकर्ताओं से अपील की। आयोजित बैठक में कांग्रेस SC विभाग के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहां कांग्रेस SC विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य के आवास पर आयोजित पदाधिकारियों की बैठक में सर्वसहमति से कैलाश कोहली को जिला उपाध्यक्ष एवं भीमताल विधानसभा युवा अध्यक्ष पद पर हरीश चंद्र आर्य को नियुक्त किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि BJP देश में जनविरोधी नीतियों को लागू कर रही है जिससे देश की जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी महंगाई अपने चरम पर है, लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं लेकिन सरकार अपने अहंकार में मस्त है। इधर नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष कैलाश कोहली ने कहा कि संगठन ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसका वो ईमानदारी से निर्वहन करेंगे और संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा श्री इंद्रपाल आर्य जी को जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं और साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे धपोरा जी और SPAL आर्य जी को, और मैं इनके आदेश अनुसार और जो हमारे जो इनके नेतृत्व के मैं आगे चलते हुए अनुशासन में रह के जो भी है कार्य मैं करूँगा और कोशिश करूँगा कि जो कांग्रेस के विकास कार्य हैं उसको मैं जन जन तक पहुँचाऊँ और अनुशासन में रह के जिला नेतृत्व के टीम में कार्य करते हुए इन प्रोग्रामों को आगे बढ़ चढ़ के लोगों के तक ले जाऊँगा और कई लोगों को अपने साथ में जोड़ के समाज को मजबूत बनाऊँगा। स्वच्छता, नशा मुक्ति आदि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ पौड़ी जिले के विभिन्न विद्यालयों में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यहां एक और पौड़ी नगर क्षेत्र के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा रैली निकालकर जनता को जागरूक किया गया। वहीं दूसरी ओर जनता इंटर कॉलेज लोवाली के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की। इसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत हमारा 7 दिवसीय विशेष शिविर जो है आयोजित किया जा रहा है। इसकी जो थीम ही हमारे एडिशन में जो है कहा है कि आजकल जो है इस उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा शराब का प्रचार प्रसार हो रहा है और इसको रोकथाम के लिए पहली पहल जो है NSS इकाई द्वारा ही संभव हो सकती है। आप जितने भी इस उत्तराखंड के लोग हैं जब सब एकजुट होकर के इस मुहिम में अपना सहयोग देंगे तभी यह मुहिम जो है सफल होगी और नशा मुक्त उत्तराखंड, संस्कार युक्त उत्तराखंड ये हमारी ADSR की थीम है और हम सब ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इसको इस पेड़े को उठाने के लिए सभी कार्यक्रम अधिकारी और हमारे जिला समन्वयक और सभी जो लोग हैं। हमारे स्कूल का नाम राजकीय कन्या इंटर कॉलेज है पौड़ी। हम स्वयं सेवी छात्राएँ हम जुलूस निकाले हैं नशा मुक्ति पे और ये नशा बहुत बढ़ चुका है, आज की डेट पे नशा बहुत बढ़ चुका है जिसके चक्कर पे घर पे राशन नहीं ले जाए, अगर जो जैसे घर के कोई कमाने वाला है वो राशन नहीं ले जाता है घर पे और उस पैसे की शराब पी लेता है और घर पे मारपीट करता है, तो इसको हम रोकना चाहते हैं इसलिए ये जुलूस निकाला। उधम सिंह नगर के किच्छा में युवक को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पलट गई। दर्दनाक हादसे में युवक सहित कार में सवार 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि एक की इलाज के दौरान मौत हुई है। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों का इलाज रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वसंत गार्डन किच्छा निवासी जगदीश गोयल की पुत्री की सोमवार रात शादी थी। स्वजन गदरपुर में वैवाहिक समारोह संपन्न करवाकर वापस लौट रहे थे। इंटराक फैक्ट्री के सामने अचानक कार के सामने सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला FCI में कार्यरत चरण सिंह उम्र 40 वर्ष पुत्र तेज सिंह निवासी किशनपुर किच्छा कार के सामने आ गया। उसे बचाने के दौरान वह कार की चपेट में आ गया और कार अनियंत्रित होकर सड़क पर कलाबाजी खाते हुए खंती में जा गिरी। इंटराक के कर्मियों ने घायलों को कार से निकलवाकर CHC किच्छा भिजवाया। दुर्घटना में चरण सिंह के साथ ही कार सवार कुसुमलता आयु 55 वर्ष, पत्नी ज्योति प्रकाश शर्मा निवासी पुरानी गल्ला मंडी किच्छा, मंजू आयु 62, पत्नी जगदीश निवासी वसंत गार्डन किच्छा की मौत हो गई जबकि निर्मला देवी पत्नी सुरेंद्र गोयल व रॉकी गोयल पुत्र सुरेंद्र गोयल, अनीता पत्नी मदन गोयल घायल हो गए। घायलों का रुद्रपुर के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।
पिछले कुछ दिनों के भीतर उत्तराखंड शासन में बड़े स्तर पर फेरबदल हुआ है। राज्य की कमान त्रिवेंद्र सिंह रावत से वापस लेकर तीरथ सिंह रावत को सौंप दी गई। गढ़वाल संसदीय सीट से सांसद रहे तीरथ प्रदेश के नए मुखिया बन गए। आज मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होना है, जिसमें नए चेहरों को एंट्री दिए जाने की चर्चा है। त्रिवेंद्र सरकार में सबसे पावरफुल मंत्री रहे मदन कौशिक अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। नौकरशाही में भी बदलाव की शुरुआत हो गई है। सीएम तीरथ रावत का सबसे पहला आदेश सचिव परिवहन शैलेश बगोली को सीएम सचिव बनाने का हुआ। शैलेश बगोली के पास अभी तक सचिव शहरी विकास, आवास और परिवहन का जिम्मा रहा, अब उन्हें सचिव सीएम बनाकर उनकी जिम्मेदारियों को बढ़ा दिया गया है। बगोली की छवि शांत रहते हुए समर्पित काम करने वाले अधिकारी की रही है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।